अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां महिला डांसर को गोद में उठाना प्रिंसिपल को पड़ गया भारी। वीडियो हुआ वायरल और शिक्षा विभाग ने दिए एक्शन के आदेश। कहां ड्रोन से पकड़ी गई बिजली की चोरी और कहां दिव्यांग ने कर दिया कमाल, बना डाली बिना पैडल मारे चलने वाली साइकिल। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ, जहां एक प्रिंसिपल को डांसर को गोद में उठाना भारी पड़ गया। ये है छतरपुर के सरकारी स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल राम मिलन लोधी, जो एक शादी समारोह में पहुंचे थे, जहां राम मिलन ने महिला डांसरों के साथ ठुमके लगाए। डांस करते करते प्रिंसिपल साहब ने महिला डांसर को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे महिला डांसर असहज हो गई। ये पूरा मामला एक शख्स ने वीडियो में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसके बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया। वहीं राम मिलन लोधी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं अब इस मामले में प्रशासन ने कहा है कि शिक्षा अधिकारी द्वारा अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रभारी प्रिंसिपल साहब का ये वीडियो सुर्खियों में है। इस मामले में प्रिंसिपल ने अभी तक शिक्षा अधिकारियों के नोटिस का जवाब नहीं दिया है। वहीं इस तरह के वीडियो से शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां ड्रोन कैमरे के जरिए बिजली की चोरी पकड़ी गई। विद्युत विभाग में हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन कैमरे के जरिए चेकिंग का इस टेक्नोलॉजी के चलते हाई राइज बिल्डिंग, मस्जिद और मंदिर सहित कई जगहों पर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान पुलिस अपने साथ एंटी स्मोक गन के साथ पुराने लखनऊ में चेकिंग अभियान को चला रही है। शहादतगंज थाना क्षेत्र में बिजली की चेकिंग की गई। इसमें पाया गया कि कई लोग ड्रोन कैमरा चलाने के दौरान खुद से अपना तार कनेक्शन काट रहे हैं और कई लोगों के इस दौरान कनेक्शन काटे भी गए। विभाग को लगातार शिकायत आ रही थी कि क्षेत्र के लोग बिजली चोरी करते हैं और जब विभाग वाले चेकिंग के लिए आते हैं तब तार दोबारा अपनी छत से खींच लेते हैं, जिससे बिजली चोरी पकड़ में नहीं आती। इसके लिए अब ड्रोन कैमरे की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान ड्रोन चलाने पर और क्षेत्र में टीम पहुंचने पर तार कनेक्शन काटने पर कई लोगों को ड्रोन ने छत पर कैप्चर किया, जो अपने तार को अपने आप खुद ही काट रहे थे ताकि चोरी पकड़ी न जा सके। तीसरी अनोखी खबर बिहार के जहानाबाद से है। ये साइकिल आम नहीं खास है। अब आपको साइकिल में पैरों से पैडल मारने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब बाइक की तरह चलेगी आपकी ई साइकिल। ये साइकिल जो सड़क पर सरपट दौड़ रही है, ये बनी कबाड़ से है। साइकिल बनाई गई है एक दिव्यांग शख्स के द्वारा। ये शख्स है विश्वकांत निराला, जो पैर से विकलांग है, लेकिन कुछ करने का जज्बा हो तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। मेहनत और कामयाबी से निराला ने यह आविष्कार कर सबको चौंका दिया है। जहानाबाद जिले के बाजार टाली के रहने वाले विश्वकांत निराला, जो पैर से विकलांग है, लेकिन उनके दिल में एक शौक था और एक जज्बा, और आज उसी जज्बे को लेकर अपने आसपास के इलाकों में वो चर्चा में बन गए हैं। दरअसल विश्वकांत निराला पैर से विकलांग थे और इन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर हर रोज अपने गाँव बाजार टाली से जहानाबाद की दूरी तय करनी पड़ती थी। विकलांग होने के कारण इन्हें साइकिल या दूसरी गाड़ियों से आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तब इनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी साइकिल बनाई जाए जिसकी सहायता से आराम से अपने घर से जहानाबाद अपने आईटीआई कॉलेज पहुंचा जा सके। कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराने सामानों को इकट्ठा कर निराला ने अपनी 1.5 साल की मेहनत और मशक्कत से एक ई साइकिल बनाई। इस ई साइकिल को एक बार चार्ज होने पर 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल निराला का ये आविष्कार चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ तक ब्यूरो।